नमस्ते, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर मुकेश नौटियाल पर। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ ASO असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर कॉमन सिलेबस और वीडियो जो है उसका जो सिलेबस है उसका वीडियो नंबर 2 है ये। और आपने देखा कि कल ही LT का एग्ज़ाम भी विज्ञप्ति रिलीज़ हुई है, तो उसमें जो लास्ट यूनिट देखेंगे आप मैथमेटिक्स के सिलेबस में, तो यही सिलेबस है जो ASO का कॉमन सिलेबस है और LT का जो लास्ट यूनिट है सेम सिलेबस है। तो मैं पूरा कराऊंगा। तो ये मैं कहा कि चाहे लेक्चरर है, लेक्चरर में भी ये सिलेबस है, तो बेसिकली क्योंकि मेरा चैनल मैथ्स से रिलेटेड है तो कॉमन सिलेबस मैं पूरा करा रहा हूँ इस पर यूट्यूब पर अपने चैनल पर। तो आप लोग देखिए इसको और सिस्टमेटिकली दे रहा हूँ मैं। जैसे पहले में मैंने डेफिनेशंस पे बात करी और एडिशंस लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी पे बात करी, तो सेकंड में हम किस पे बात करेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे बात हम करेंगे। तो इसमें मैंने आपसे डिस्कस करा था कि जो मेरा चैनल है मैथमेटिक्स, उसमें अगर जो ऑप्शनल मैथमेटिक्स है तो उससे रिलेटेड भी काफ़ी कंटेंट मेरे यूट्यूब चैनल में है। आप LT वाली प्लेलिस्ट देख लीजिए, आप लेक्चरर वाली प्लेलिस्ट देख लीजिए, आप पॉलिटेक्निक लेक्चरर या ASO वाली प्लेलिस्ट को अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सिलेबस आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको अरेंज सिलेबस चाहिए व्यवस्थित, यानी 1x1, तो उसके लिए आप मैंने कहा था कि आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पे 9897544 और 79। डॉक्टर मुकेश नौटियाल मेरा नाम है। तो मैं आपको जो रिकॉर्डेड मटेरियल चाहिए या आपको लाइव क्लासेस चाहिए तो उसके लिए आप मुझसे संपर्क, ऑप्शनल मैथमेटिक्स की मैं बात कर रहा हूँ उसके लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। तो आज बात करेंगे साहब, किस पे बात करेंगे, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, लंबा होने वाला है वीडियो, तो अच्छा है। पहले मैंने सोचा था लाइव क्लास लेके लूँगा, लेकिन थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ रही है, टेक्निकल इश्यूज़, तो इसलिए मैं इसका वीडियो बना के आप लोगों को दे रहा हूँ। तो जैसे मैंने कहा आज हम किस पे बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं कंडीशनल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ओके गाइस। तो देखो आपको पता है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या है, यानी हम किस तरीके से जो कंडीशनल प्रायिकता है उसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो नाम से ही पता लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहां से आपको क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलेगा, चाहे आप LT लेक्चर किसी की भी तैयारी कर रहे हैं। सो यू विल हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है। तो क्या है इसको ऐसे समझेंगे हम ना, कैसे किसको कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसको कहते हैं P, मान लीजिए आपको निकालना है PA/B। तो पहले इसको रीड कैसे करते हैं ना, PA/B इज, मतलब ये है, आप इसको बोल सकते हो कि आपको इवेंट A की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और इवेंट B जो है वो ऑलरेडी अकर्ड है, मतलब हो चुका है, तो ऐसी तभी तो उसको कंडीशनल कहा है। क्यों? क्योंकि कंडीशन क्या दे रखी है कि A की निकालनी और B ऑलरेडी अकर्ड है, मतलब B हो रखा है और A की आपको प्रोबेबिलिटी क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो वी कैन रीड इट एज, इसको हम पढ़ते कैसे हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए given that B has already occurred okay दोस्त। तो मैं क्या कह रहा हूं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो बात करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन दैट B हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, PA/B कैन बी रिटन एज PA/B/PV ओके। और अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो PB/A इज इक्वल टू हो जाएगा PB/A/PA, मतलब आप देख रहे होंगे जो डिनोमिनेटर में है वो नीचे ही आ रहा है, जैसे यहाँ है तो यहाँ ये, पर कंडीशन ये है आपके पास कि जो यहाँ पर PV है वो इम्पॉसिबल इवेंट नहीं होना चाहिए और यहाँ पर PA जो है आपका वो इम्पॉसिबल इवेंट नहीं होना चाहिए। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि इम्पॉसिबल इवेंट
और पॉसिबल, दो ही होते हैं ना, जीरो और वन, इम्पॉसिबल और पॉसिबल के बीच में ही हम लोग घूम रहे हैं, झूल रहे हैं। जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो क्या है, जीरो और वन के बीच में ही आपकी प्रायिकता की निकलोगे कि नहीं निकलोगे। अगर वन कर सकते हो, यानी अगर आपने की प्रोबेबिलिटी वन हो जाए, तो इट मीन श्योर है कि आपने निकलना ही निकलना है। लेकिन अधिकतर लोग कहाँ है, जीरो और वन के बीच में घूम रहे हैं, तो जो वन के जितने ज़्यादा क्लोज हैं उनकी संभावनाएं क्या है, उतनी ज़्यादा बलवती है। ओके, स्ट्रांग है उनकी जो कंडीशंस हैं वो ज़्यादा है। तो मतलब इसको कह सकते हैं, इसको डिफाइन इस तरीके से कर सकते हैं कि लेट ए एंड बी टू इवेंट, और मैं इसके नोट्स आपको मेरे जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का, तो उसमें आप देख लेना उसमें, क्योंकि ये थ्योरी लिखाने में टाइम लगता है बहुत ज़्यादा, तो लिखाऊंगा नहीं, मैं बोल रहा हूँ आप इसको सुन लीजिए। लेट ए एंड बी बी टू इवेंट्स डिफाइन ऑन अ सैम्पल स्पेस एस, देन दी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोवाइडेड बी हैज अकर्ड डिनोटेड बाय पी ए ऑब्लिक बी, एंड दिस इज गिवन बाय पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। क्लियर है? या पी बी अपॉन ए लिखना है, तो पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। मतलब अब इसमें थोड़ा सा, क्योंकि एग्जाम में आपने देखा है कई सारे रिजल्ट पूछे जाते हैं ना एग्जाम में, तो जरूरी नहीं हर बार क्वेश्चन ही आ जाएगा एग्जाम में, कई बार क्वेश्चन से इतर जो है आपके रिजल्ट भी पूछ लिए जाते हैं। आधे बच्चों को तो यही नहीं पता होता रिजल्ट कैसे हुआ है। तो अब इन्हीं रिजल्ट से हम थोड़ा और आगे बात करें, तो जैसे मैंने लिखा आपके पास, आप देख रहे हैं पी ए अपॉन बी किसके बराबर है, आपके पास पी ए अपॉन बी है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी वी के बराबर है। तो इसी बात को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पी ए अपॉन बी और इंटू पी वी। ओके, अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर इफ इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, अगर ए और बी कैसी इवेंट हो जाए, इंडिपेंडेंट इवेंट। अब इंडिपेंडेंट इवेंट किसे कहते हैं, कि अगर ए और बी जो है आपके पास इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो देखो दो इवेंट को इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं अगर हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट डू नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर। मतलब एक इवेंट की हैपनिंग या दूसरे इवेंट की हैपनिंग जो है, होना ना होना, एक दूसरे को प्रभावित ना करे, हो ना, एक दूसरे को इफेक्ट ना करे, तो ऐसी, मतलब इंडिपेंडेंट नाम से ही पता लग रहा है आजाद है भाई, मस्त है, मतलब तुम ज़्यादा किसी से सुनते नहीं हो, मतलब आप इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेते हो, तो मतलब आपके डिसीजन में किसी दूसरे का प्रभाव नहीं है, तो वही तो हो गया इंडिपेंडेंट। तो ये कह रहा है, अगर कई लोग तो देखा होगा आपने डिसीजन लेते हैं तो फिर दूसरे ने कुछ बोला तो वो अपना डिसीजन बदल देते हैं, तो वो इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट का मतलब है, इंडिपेंडेंट इवेंट किसको कहते हैं, टू इवेंट आर सेट टू बी इंडिपेंडेंट इफ हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट डू नॉट हैपन ऑन डू नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर, राइट। तो अब ये ध्यान रखना है कि अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट है, तो ये जो पी ए अपॉन बी होता है ना, पी ए अपॉन बी जो होता है ये किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू पी ए, राइट, एंड पी बी अपॉन ए जो होता है दैट इज इक्वल टू पी बी। ये भी ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और इससे घुमा फिरा के क्वेश्चंस बनते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट पे तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, देख लेना आप लोग, ये मैं डेफिनेटली मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ अभी, आप चिंता नहीं, लास्ट तक वीडियो में बने रहे, मजा आएगा आपको, अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगेगा तो ही लाइक करना, जबरदस्ती कुछ नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लेना और शेयर जरूर करिए आप इसको, क्योंकि भाई देखो हमारा भी यही फायदा है कि जब आप लोग देखेंगे इसको तो हमें भी कुछ थोड़ा बहुत फायदा होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें चैनल को, और बेल आइकन, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन, मैंने कह दिया जो मैथ्स से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे LT, चाहे लेक्चरर, चाहे पॉलिटेक्निक लेक्चरर, तो आपको इस चैनल पे सफिशिएंट मटेरियल मिलेगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये आश्वासन हम आपको दे रहे हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़िए। तो पी ए अपॉन बी पी ए हो जाएगा, पी बी अपॉन ए पी क्या हो जाएगा, दैट इज पी बी हो गया। क्लियर है गाइस? तो अब इससे क्या है, इस रिजल्ट पे जो इक्वेशन वन, अगर हम इसको मान लेते हैं, इसको वन मान लेते हैं, सो दिस कैन बी रिटन एज, अब इसको क्या लिखेंगे, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी था वो तो किसके बराबर था आपका, अभी हमने लिखा पी इंटर ए इंटरसेक्शन बी, ये किसके, पी ए अपॉन बी डॉट पी बी, पी पी
अपॉन बी डॉट पी वी। तो मैंने अभी कहा कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हो जाएं तो ये पी ए अपॉन बी किसके बराबर हो जाएगा, ये पी ए के बराबर हो जाएगा। तो आपको क्या रिजल्ट मिल जाएगा, फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट पी ए इंटरसेक्शन बी, इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, ठीक है ना, कब, इफ ए एंड बी आर कैसे इवेंट होने चाहिए, इंडिपेंडेंट इवेंट्स होने चाहिए, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, देन पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए डॉट पी बी। क्लियर है, दोनों केस में ऐसा नहीं है कि किसी में भी, अगर ये जो है जैसे यहाँ पर अपॉन में मान लीजिए अगर ये होता, कैसा, इसको ऐसे भी समझ लो आप, फिर पी बी अपॉन ए होता तो आप क्या लिखते इसको, आप लिखते पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन क्या लिखते, पी ए लिखते, ओके। अब आप क्या करते, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देते, तो पी बी इंटरसेक्शन ए जो होता आपका, दिस इज इक्वल टू पी बी अपॉन ए इंटू पी ए। अब वी नो दैट इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, देन दिस पी बी अपॉन ए कैन बी रिटन एज पी बी, लिख सकते हो आप इसको, तो पी वी डॉट पी ए। तो आप लेक्चरर उत्तराखंड कोई भी देख लीजिए, उनमें आ रखे हैं इंडिपेंडेंट इवेंट के क्वेश्चन। ये वेरिफिकेशन करने के लिए भी आता है कभी कभी, कि ये चेक करके बताओ कि यस, वो आपको कुछ प्रोबेबिलिटी दे देगा और तब आपसे चेक करने के लिए कहेगा कि यार चेक करके बताओ दीज आर दी इंडिपेंडेंट और नॉट। अभी करा रहा हूँ मैं क्वेश्चन, देख रहे चैनल में लास्ट तक बने रहे आप इस वीडियो में, आपको काफ़ी फायदेमंद कंटेंट मिलेगा, क्योंकि आजकल यूट्यूब में बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट है, हम ये नहीं बोलते यही बहुत अच्छा है, बट आप देखिए सिस्टमेटिकली मिलना बहुत ज़रूरी है, जैसे वीडियो वन, फिर वीडियो टू, फिर वीडियो थ्री, फिर वीडियो फोर, इस तरीके से आपको अवेलेबल कराएंगे कि आपका पूरा कॉमन सिलेबस, और मैंने कहा ये एलटी लेक्चरर सब जगह है ये वाली यूनिट, तो आपको हर जगह इससे क्या होने वाला है, फ़ायदा होने वाला है। तो अब इसको हमने क्या करा, ये जो है हमारे पास ये कुछ हमने कंडीशंस लिखी और इन कंडीशंस को हमने वेरीफाई किया। अब इसी कंडीशंस को अगर थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड कर दिया जाए, क्योंकि कंडीशंस मैंने देखा कई बार आपको कई चीजें पूछ लेता है वो ना, जो मैंने ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से बताया, तो इसी से आगे करके वो एक थ्योरम बना देता है, जैसे मल्टीप्लीकेशंस थ्योरम ऑफ मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ व्हाट प्रोबेबिलिटी, तो दोस्तों आप देखो इसको ये कैसे हो गया ना, मतलब अब हमने कहा कि इफ ए एंड बी आर टू इवेंट, ए और बी क्या है, दो इवेंट है, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स associated with an experiment, then क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए डॉट पी बी ऑब्लिक ए। अब देखो ऊपर निकाला था ना मैंने, ये अभी यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, ए इंटरसेक्शन बी कैन बी रिटन एज पी बी और डॉट पी ए अपॉन बी। तो ये अभी ऊपर निकाला मैंने, तो लेकिन अब देखो ये कर दिया आपने, यहाँ पर ऊपर लिख लिया कि पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए डॉट पी बी ए के बराबर होता है, लेकिन कभी कभी वो पूछ लेता है कि व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो अब आपको पता भी तो होना चाहिए कि ये जो मैंने ऊपर लिखा था, मतलब मैंने कुछ नहीं करा था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को बदल के लिखा था उसको, जो हमारी ये थी, तो ये देखो मैंने एरो भी बना रखा है कि पी बी का इधर इंटू करवा लिया था, तो लेकिन वो वहां कंडीशनल था, वहां तो वो क्या था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला था, बट उसी को अगर थोड़ा चेंज कर दिया तो वो किसका बन गया, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी बन गया। क्लियर है, और फिर इसी में मैंने कहा कि अगर इवेंट क्या हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, तो अभी आपको बताया मैंने कि तब पी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर हो जाता है, वो हो जाता है पी ए, और ये क्योंकि अगर इंडिपेंडेंट हो जाए तो ये किसके बराबर हो जाएगा, पी बी के बराबर हो जाएगा, तो ये तब ये बन जाता है, तब ये बन जाता है आपको, इसको हम क्या कहते हैं, लेकिन ये तब कब है, जब ए और बी क्या हो, इंडिपेंडेंट इवेंट है, या ऐसा भी कह सकते हो आप ए इंटरसेक्शन बी, तो ये पी बी तो है ही दे रखा पी बी,
और अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ये पी ए अपॉन बी किसके बराबर हो जाएगा, पी ए के बराबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है रिजल्ट सारे एसोसिएटेड ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किसको एडिशन थ्योरम नाम दे रखा है, किसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नाम दे रखा है, किसको मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी नाम दे रखा है। तो वो आपको ध्यान में रखना है ताकि अगर आप पेपर में आए तो उस तरीके से कंफ्यूज ना रहें आप, कि आपको डाउट्स बहुत ज़्यादा ना हो। अब इस पर थोड़े से कुछ और रिजल्ट जो पूछे जाते हैं पेपर में वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। कि जैसे कई बार ये पूछ लेते हो कि जैसे मान लो कि अगर आपसे ऐसा बोल दिया उसने कि ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं कि भाई पी ए अपॉन बी की वैल्यू आपको निकालनी है, तो पी ए अपॉन बी कितना होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, है ना। फॉर इन केस ऑफ किसकी बात कर रहा हूं मैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूं। और अगर मान लीजिए आपसे कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है आपके पास फाई है, इफ यू हैव ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई सो व्हाट, तो इसका मतलब पी ऑफ फाई अपॉन पी ऑफ बी, और पी ऑफ फाई कितना होता है, जीरो, और पी बी तो जीरो होता नहीं है, तो जीरो अपॉन समथिंग कितना हो जाएगा, दैट इज जीरो हो जाएगा। क्लियर है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और एक रिजल्ट ये भी कई बार पूछा जाता है, आपने देखा होगा कि पी बी ऑब्लिक ए, पी बी ऑब्लिक ए इज इक्वल टू वन होता है, क्या होता है, वन, लेकिन कब होता है, इफ ए क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए किसका, बी का। तो पी बी ऑब्लिक ए वन कैसे होगा, आप देख लीजिए इसको, देखो पी बी ऑब्लिक ए जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए। ओके गाइस, अब वो कह रहा है देखो ए जो है बी के अंदर है, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है, तो मान लो ए आपके पास वन टू है और बी आपके पास कितना है, वन टू थ्री है। ओके, तो अब आप ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो किसके बराबर आएगा, ए के बराबर आएगा। तो पी बी ऑब्लिक ए किसके बराबर हो जाएगा, पी ए अपॉन पी ए, पी ए से पी ए कैंसिल हो गया, तो पी बी ऑब्लिक ए क्या हो जाएगा, दैट इज वन हो जाएगा। लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि कब, जब ए सबसेट हो बी का, तो ऐसे आप जब बी सबसेट होगा ए का तो भी रिजल्ट निकाल लोगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि अब देखो वो इसी बात को ऐसे भी पूछ सकता है, अब कभी कभी वो ये बात ऐसे भी पूछ सकता है कि पी बी अपॉन ए बराबर होता है जीरो इफ इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव, होता है ना, अभी बताया था मैंने पी ऊपर निकाल के दिया था, पी बी ए, पी बी ऑब्लिक ए जीरो होता है इफ ए इंटरसेक्शन बी आर फाइव। लेकिन वो अगर ऐसे कह दे इसी बात को कि ए एंड बी आर, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, है ना, ये भी मैंने पिछले जो वीडियो बनाया है इसका उसमें ये मैंने डिस्कस करा था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट हो गया, तो ये क्या है, एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो आपको पता है इन केस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होता है, भाई ए इंटरसेक्शन बी फाई होता है, यानी उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई है तो अभी ऊपर हमने निकाला कि पी बी ऑब्लिक ए क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो ये रिजल्ट कुछ ध्यान देने वाले रिजल्ट है जो आपको काफी हेल्पफुल हो सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि मैंने फिर कहा आपको कि ये जरूरी नहीं है कि वो आपसे कैसे पूछेगा, वो क्वेश्चन पूछने के उसके अपने तरीके होते हैं और आपको उन तरीकों के साथ अपने आप को क्या करना है, एडजस्ट करना है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन जैसे है इसको अगर हम देखें, ये है जैसे मान लीजिए, ये रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास है इफ ए एंड बी, ओके, इफ ए एंड बी आर इवेंट, आर इवेंट, इवेंट्स, सॉरी, इवेंट सच दैट पी ए इज ग्रेटर देन जीरो एंड एंड पी बी डज नॉट इक्वल टू वन, देन यू हैव टू फाइंड पी ए बार ऑब्लिक बी बार। ओके, तो आप निकालेंगे इसको, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ऑप्शन ए दे रखा है वन माइनस पी ए अपॉन बी, ऑप्शन बी दे दिया आपको वन माइनस पी ए बार अपॉन बी, ओके, ऑप्शन सी दे दिया आपको वन माइनस पी ए यूनियन बी अपॉन पी बी बार, है ना, और ऑप्शन डी दे दिया आपको पी ए बार
अपॉन पी बी। ओके गाइस, तो अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए। तो कितना हो जाएगा, पी ए बार ऑब्लिक बी बार की वैल्यू निकालनी है ना, पी दिस इज ए बार ऑब्लिक बी बार। सो बी नो दैट, इसका फॉर्मूला हमारे पास है तो हमने लगा लिया, ए बार इंटरसेक्शन बी बार अपॉन कितना हो जाएगा, दिस इज पी बी बार हो जाएगा ना। अब आपको पता है डी मॉर्गन लॉ आपने पढ़े हैं, तो डी मॉर्गन लॉ से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस कैन बी रिटन एज पी ए यूनियन बी का होल बार, है ना। यानी ए के ना होना और बी का ना होने का इंटरसेक्शन जो है ए यूनियन बी का ना होना, तो ये आ जाएगा सिंस, क्योंकि आपको पता है डी मॉर्गन लॉ जो है बहुत फेमस है, स्टेट थ्योरी में भी पढ़े होंगे, ए इंटरसेक्शन बी बार इज इक्वल टू होता है ए यूनियन बी का होल बार बाय डी मॉर्गन लॉ। कभी कभी तो डी मॉर्गन लॉ भी पूछ लेते हैं, ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा आपके पास, अब इसको हम लिख सकते हैं, यानी ये हो गया हमारे पास, यानी हमने इसको लिख लिया पी ए यूनियन बी का होल बार, ऐसा लिख दिया इसको, और अपॉन में हमारा क्या हो गया, दैट इज पी बी बार हो गया गाइस, है ना। अब इसको क्या लिख सकते हैं, मैंने कहा किसी घटना का होना प्लस ना होना, किसी घटना का होना प्लस ना होना इज इक्वल टू कितना होता है, वन। तो अगर ना होना ये है पी ए बार, तो ये किसके इक्वल होगा, वन माइनस पी ए। तो इसके बारे में लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, वन माइनस पी, बताइए कितना हो जाएगा, पी ए यूनियन बी। और आपको क्वेश्चन मैं ना टेलीग्राम पे दे दूंगा, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे, क्योंकि मैं सारे तो करा नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं आइडिया जितने ज़्यादा हो सकेंगे उतना करा दूंगा आपसे। लेकिन आप तो ये इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, वन माइनस पी ए यूनियन बी अपॉन पी वी बार। तो देख लो जो भी आंसर है इसका, आई थिंक मेरे को लग रहा है कौन सा है, सी वाला है ना, वन माइनस पी ए यूनियन बी अपॉन पी वी बार। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो इस तरीके से भी आते हैं, अभी और डिस्कस करते हैं, काफ़ी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, आप लोग लास्ट तक बने रहें और देखते रहें, क्योंकि मैंने फिर कहा आपको कि अगर आप इन चीज़ों के साथ समझेंगे करेंगे तभी आपको फायदा। आप ये देखिए, ये क्वेश्चन में कई बार एग्जाम में घुमा फिरा के पूछ लेते, जैसे ये क्वेश्चन है आप देख लीजिए, इट इज गिवन दैट द इवेंट ए एंड बी आर सच दैट पी ए, देखो पी ए दे रखा आपको 1/4 और पी ए अपॉन बी दे रखा आपको 1/2 एंड पी बी अपॉन ए दे रखा है आपको 2/3। सो पी बी का वैल्यू आपको निकालना है कितना होगा जी, है ना। ऑप्शन ए दे रखा है उसने 1/2, ऑप्शन बी दे रखा है साहब 1/6, सॉरी ये स्मॉल बी लिख लीजिए इसको, ऑप्शन सी दे रखा 1/3, ऑप्शन डी दे रखा है साहब 2/3, है ना। तो सॉल्व करते हैं इसको, देखो क्या गिवन है आपको, पी ए अपॉन बी कितना दे रखा है 1/2। तो आप अगर देखें आपको क्या गिवन है कि पी ए अपॉन बी इज इक्वल टू 1/2, तो इसको ऐसा लिख सकते हो ना आप, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज 1/2, है ना। ये आपने क्या कर लिया, क्वेश्चन वन मान लिया। दूसरा और क्या गिवन है, पी बी अपॉन ए भी दे रखा आपको, देख लो पी बी अपॉन ए ये दे रखा है यहाँ पर, पी बी ए अपॉन ए कितना दे रखा है, ये दे रखा है 2/3, कितना दे रखा है 2/3। तो दिस कैन बी रिटन एज पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन कितना हो जाएगा, पी ए हो जाएगा, और ये कितना दे रखा है, दिस इज यू हैव 2/3, इक्वेशन 2 हो गया। तो भाई अगर आप देखें फर्स्ट और सेकंड को तो डिवाइड कर लो, फर्स्ट और सेकंड को अगर डिवाइड करते हो, फर्स्ट और सेकंड देखो पेपर में तो करने के 50 तरीके, पर आप कैसे करते हो अपने पे है। मान लो आपने क्या करा, फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर लिया, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड कर लिया, तो उससे क्या हो जाएगा आपका, ये कट जाएगा ना, पी ए इंटरसेक्शन बी से पी ए इंटरसेक्शन बी कट जाएगा, कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये समझ रहे हो ना, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए तो पी ए ऊपर आ जाएगा, पी ए ऊपर आ जाएगा। अगर आप फर्स्ट से डिवाइड कर रहे हैं सेकंड को, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो आपको पता है फर्स्ट वाला फोर्थ के साथ मल्टीप्लाई होता है और सेकंड वाला ये होता है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो आपको ये सेकंड थर्ड के साथ मल्टीप्लाई होता है फर्स्ट फोर्थ के साथ, तो यानी ये वाला ऊपर जाएगा और ये वाला इधर, लेकिन ये और ये कट जाएंगे, ये और ये क्या हो जाएंगे, डिवाइड में कट जाएंगे, तो बचेगा हमारे पास पी ए अपॉन पी बी इज इक्वल टू यहाँ कितना है 1/2 और 2/3, तो कितना हो जाएगा ये,
वन बाई टू और टू बाई थ्री, तो ये आ जाएगा आपका दैट इज थ्री बाई फोर, कितना हो गया थ्री बाई फोर। तो पी ए अपॉन पी बी कितना हो गया थ्री बाई फोर, सो पी ए अपॉन पी बी हो गया थ्री बाई फोर। सो दिस कैन बी रिटन एज, आप इसको ऐसे लिख सकते हो आप, पी ए इज इक्वल टू थ्री बाई फोर एंड दिस इज वी हैव पी वी। ओके, तो बस अब दोस्तों पी वी की वैल्यू आपको शायद गिवन है, उन्होंने दे रखी या पी ए की दे रखी होगी, किसी एक की दे रखी होगी, तो किसकी दे रखी है उसने, पी ए की दे रखी है, तो हमें पी वी निकालना है। तो पी वी कैन बी रिटर्न एज फोर बाई थ्री, ये इधर चला जाएगा और ये हो जाएगा पी ए, तो फोर बाई थ्री एंड देन पी ए। पी ए का वैल्यू कितना दे रखा है आपको, दैट इज वन बाई फोर दे रखा है ना पी ए का वैल्यू, सो पी ए इज वन बाई फोर, तो कितना आ जाएगा आपके पास, पी वी आ गया वन बाई थ्री, है ना, तो पी वी कितना आ गया। सो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, दैट इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लियर है। तो ऐसे ही मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को भी दे रहा हूँ, आप लोग इनको ट्राई करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है अभी मैं और कराऊंगा, लेकिन ये इसके जैसा क्वेश्चन है, तो ये आप खुद कर लेना। इफ पी ए इंटरसेक्शन बी बार इज इक्वल टू 0.15 है ना, और पी बी इज इक्वल टू कितना है 0.10, तो वो कह रहा है पी ए अपॉन बी बार की वैल्यू बतानी है आपको इज कितनी होगी। ऑप्शन ए है 1/3, ऑप्शन बी है साहब 1/4, ऑप्शन सी है 1/2 और ऑप्शन डी है 1/6, है ना। इसको बोलते हैं हम प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन वन। तो आप ऐसे लिखना कि प्रैक्टिस क्वेश्चन वन का आंसर कितना आया, तो मैं आपको करेक्ट आंसर दे दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन वन का आंसर इतना है सर, तो ये ध्यान रखेंगे आप। अब ये क्वेश्चन मैं आपको और करा रहा हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ रखा है पेपर में। आप पेपर के लिए ना, जैसे यूपी टीजीटी पीजीटी, हरियाणा टीजीटी पीजीटी, केवीपी टीजीटी पीजीटी, सबके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके देखते रहेंगे, क्योंकि अभी वैसे मैं आपको दूंगा, अवेलेबल कराऊंगा, आप लोग बने रहे चैनल के साथ, पेपर तक आपकी काफ़ी तैयारी हो जाएगी। ए एंड बी, देखो ए एंड बी आर इवेंट, आर इवेंट्स, ए एंड बी आर इवेंट सच दैट, ये भी अच्छा प्रश्न है, सच दैट, देखो पी ए अपॉन बी इज इक्वल टू पी बी अपॉन ए, है ना, देन देन कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए है, ए सबसेट है बी का बट ए इज नॉट इक्वल टू बी, ऑप्शन बी है ए इज इक्वल टू बी, ऑप्शन सी है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव, और ऑप्शन डी है आपके पास पी ए इज इक्वल टू पी वी। तो ये तो इजी क्वेश्चन है आई थिंक, क्योंकि पी ए ये बराबर दे रखा है, तो आप सीधा लगा लोगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, तो ए अपॉन बी अपॉन पी वी, और ये हो जाएगा पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए, है ना, तो ये कट जाएगा, तो यानी ये आपका आ गया पी ए इज इक्वल टू कितना आ गया, दैट इज पी वी, पी ए इज इक्वल टू कितना आ गया पी वी, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके गाइस, अब आपको देखिए फिर मैं कह रहा हूं, अब मैं एक क्वेश्चन आपको और दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को भी करना, प्रैक्टिस क्वेश्चन टू हो गया आपके लिए ना, प्रैक्टिस क्वेश्चन टू फॉर ऑल ऑफ यू, प्रैक्टिस क्वेश्चन टू, आप मुझे टिक ऐसे ही ऑप्शन में कमेंट करके देना। इफ पी ए यूनियन बी दे रखा है 3/5 और पी ए दे रखा है 3/10 और पी बी दे रखा है 2/5, पी बी दे रखा है 2/5 और उसने कहा कि देन यू हैव टू फाइंड पी बी ऑब्लिक ए और पी ए, तो आसान है आप निकाल लोगे ए ऑब्लिक बी इसका वैल्यू कितना होगा, तो ऑप्शन ए है आपके पास 1/4, ऑप्शन बी है 1/3, ऑप्शन सी है 5/12 और ऑप्शन डी है 7/12। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपको करना है, तो इसका भी आप मुझे क्या करेंगे, जवाब किस में देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन एक और करा देता हूँ आपको, फिर मैं एक दो तीन क्वेश्चन मैं कराता हूँ आपसे, अब मैं वर्ड वाले कराता हूँ, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन थ्री है इसको भी लिख लीजिए आप। पी ए यूनियन बी दे रखा है आपको साहब, आपको ये निकालना है, सॉरी पी ए यूनियन बी देना निकालना है, और इफ टू ट्वाइस ऑफ पी ए, ट्वाइस ऑफ पी ए कितना दे रखा है, पी बी के बराबर दे रखा है, और ये दोनों बराबर दे रखे हैं 5/13 के, 5/13 के, ओके, और साथ में ये भी दे रखा है, एंड पी ए अपॉन बी जो दे रखा है आपको दिस इज 2/5, सो वट यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू कैलकुलेट पी ए यूनियन बी, तो बता देंगे प्रैक्टिस थ्री का आंसर, उसमें मुझे बता देंगे तो मैं आपको करेक्ट आंसर कर दूंगा वहां पर,
यू आर इन अ राइट और रॉन्ग, क्या आपका सही है या आपका गलत है ना। अब एक दो क्वेश्चन हम जरा डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन हमारे पास, जो वर्ड वाले, जो हमारी लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं ना, वो भी पूछ लिए जाते हैं। अभी मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा इसमें ना, आप क्लास के साथ जुड़े रहे हो, लास्ट तक देखें वीडियो को। जल्दबाजी में कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई नहीं। एक तो सबसे पहले धैर्य, धैर्य बहुत जरूरी चाहिए, पेशेंस। जिन लोगों के अंदर पेशेंस होता है, धैर्य होता है, वही निकालते हैं एग्जाम। ये भी मैं बता दूं, कई लोगों के अंदर आजकल धैर्य की भी बहुत नितांत कमी है कि ज्यादा देखना नहीं है, ज्यादा सुनना नहीं है, फटाफट चाहिए हर चीज फटाफट। तो फटाफट में मिली हुई चीज उतनी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती ना। आप थोड़ा पेशेंस से करेंगे काम तो आपको उसका फायदा कहीं ना कहीं साफ मिलेगा। तो ये क्वेश्चन है जैसे, अडाइज इज रोल्ड, अडाइज इज रोल्ड, ओके, अडाइज इज रोल्ड, सॉरी, ROLLED, रोल्ड, इफ द आउटकम्स, इफ द आउटकम्स, इफ द आउटकम्स इज एन, इफ द आउटकम्स इज एन ऑड नंबर्स, इफ द आउटकम्स इज एन ऑड नंबर, ऑड नंबर, व्हाट इज द, मैं इसका शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा, है प्रोबेबिलिटी का शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे। PROAB का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ही लिखा है। दैट इट इज अ प्राइम, दैट इट इज प्राइम, है ना, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो ऑप्शन में लिख नहीं रहा हूँ, सीधा आंसर निकाल देते हैं इसका, क्योंकि उसमें भी टाइम लग रहा है ऑप्शन लिखने में। कि अगर है डाइस को रोल करा आपने और आउटकम्स इज एन ऑड नंबर, इफ दी आउटकम्स इज एन ऑड नंबर, तो दोस्तों अगर आप डाइस को रोल करते हो तो टोटल सैंपल स्पेस कितने बनते हैं आपके पास, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ओके। अब वो कह रहा कि रोल करा आपने, इफ द आउटकम्स इज एन ऑड नंबर, ऑड नंबर है, तो मान लेते हैं हम कि जो इवेंट ए है हमारे पास, इवेंट ए है, क्या है, द ए इवेंट जो है गेटिंग एन ऑड नंबर, है ना, गेटिंग, क्या कर देते हैं इसको, गेटिंग एन ऑड नंबर, ऑड नंबर, तो गेटिंग एन ऑड नंबर कितना हो जाएगा बोलो। सो इवेंट ए में जो आ जाएंगे कौन कौन से आ जाएंगे, एक आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 5 आ जाएगा, ओके। और इवेंट बी ले लेते हैं प्राइम नंबर, क्योंकि उसने क्या कहा है, ऑड नंबर, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ प्राइम नंबर, राइट। सो इवेंट बी ले लेते हैं हम लोग, क्या ले लेते हैं कि द जो इवेंट बी है, क्या करते हैं इसको, गेटिंग अ प्राइम नंबर, गेटिंग अ प्राइम नंबर, ओके। थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि काफी क्वेश्चंस मुझे सॉल्व करवाने हैं आप लोगों से। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, दिस इज 2, 3, 5, है ना। तो अब आप कहोगे कि साहब कि ये किसका क्वेश्चन है ना, आपको पहले तो एग्जाम में आइडेंटिफाई करना है कि मैं इसको एडिशन से करूँ, मल्टीप्लीकेशन से करूँ, किससे करूँ। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है कि नहीं है, ये भी तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना आपको एग्जाम में। तो आपको पता है मैंने क्या कहा था कि जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है उसकी पहली शर्त यह है कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको काउंट करनी है और एक इवेंट क्या होगा, हैपन हो रखा होगा। तो उसने कहा अ डाइस इज रोल्ड इफ द आउटकम्स ऑफ इज एन ऑड नंबर, व्हाट इज, अब देखो क्या कह रहा है, आउटकम्स दे रखा ऑड नंबर का, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ प्राइम, यानी प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और ऑड का दे रखा है यानी ऑड की आप निकाल सकते हो कि ऑड की जो वो होगी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो कितनी हो जाएगी, वो तो आप इजिली निकाल लोगे। कितना, जैसे पी ए अगर आपको निकालना है तो आप निकाल लोगे, 3/6 हो जाएगा, पी वी भी कितना हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बी की निकालनी है। तो यानी बी की निकालनी है तो बी ऊपर आएगा, बी ऊपर आएगा, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, प्राइम नंबर के लिए ना, तो बी ऊपर आएगा और ए जो गिवन इवेंट है वो नीचे आता है, पी बी अपॉन ए। क्योंकि आप क्वेश्चंस को अगर पढ़ें तो उसमें क्या कहा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ प्राइम, तो प्राइम को हमने बी इवेंट माना है इसलिए ऊपर लिखा, तो बी अपॉन ए, कई लोग ए अपॉन बी लिख देंगे, गलत हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए, राइट। तो पी बी इंटरसेक्शन ए, तो अब इन दोनों इवेंट में कॉमन ढूंढ लो आप बी और ए में, तो क्या कॉमन आ रहा है बी और ए में, अगर आप देखें तो ए इंटरसेक्शन बी अगर आप निकालते हैं तो क्या कॉमन आ रहा है, दो चीजें कॉमन आ रही है, एक 3 कॉमन आ रहा है और एक 5 कॉमन आ रहा है, तो कितना हो जाएगा, 3/5। तो पी ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, दिस इज 2/6, और पी ए कितना है आपके पास,
पी ए था हमारे पास, पी ए था हमारे पास कितना, अगर जो पी ए की प्रोबेबिलिटी हम निकालें तो ये कितना हो जाएगा, पी ए हो जाएगा आपके पास, दैट इज 3/6। तो इसको लिखा आपने 3/6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, सो आंसर इज 2/3, योर आंसर इज 2/3। ओके, तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। अब मैं आपको फिर, मैंने कहा इसमें भी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस क्या करता रहूंगा, प्रैक्टिस के लिए देता रहूंगा, ताकि आपको जो है आप कर सको इन क्वेश्चंस को, मतलब आपको आदत पड़ जाएगी ना, अगर आप क्वेश्चंस करते रहोगे तभी तो हैबिचुअल होंगे। मैं अलग अलग टाइप के कराता रहूंगा आपको, तो आप इसको करेंगे, जो जो क्वेश्चंस मैं आपको लिख के देता रहूंगा आप उनको ट्राई करते रहेंगे ना। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, ये 4। चलो ये मैं बाद में, मैं आपको ग्रुप में भी दे दूंगा, आज के लिए बहुत है वो 3 प्रैक्टिस, क्योंकि तब उसमें टाइम लग रहा है लिखने में। तो मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस कराता हूँ जो मुझे लग रहा है कि आपके हिसाब से पेपर के प्रोस्पेक्टस से आपको इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अलग अलग बुक्स में इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि एक बुक से तैयारी करने पे तो आपको कभी पूरा मटेरियल मिलने वाला भी नहीं है। कहीं तुम सोचो कि हम एक बुक से कर लेंगे और हम क्या हो जाएंगे, परफेक्ट हो जाएंगे। अब इसमें देखो जरा, एक क्वेश्चन ये है, ये भी कई बार है, तुमने देखा होगा एनसीईआरटी का भी, ये अच्छा फेमस क्वेश्चन है। डियर आर, क्योंकि ये भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक अच्छा एग्जाम्पल है। डियर आर टू चिल्ड्रन इन अ फैमिली, है ना। देयर आर टू चिल्ड्रन इन अ फैमिली, फाइंड फाइंड दी प्रोबेबिलिटी, फाइंड दी प्रोबेबिलिटी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, दैट दैट बोथ आर बॉयज। अब देखो ऐसे भी आ सकता है, बोथ आर गर्ल्स, ऐसे भी आ सकता है पेपर में ना, बोथ आर बॉयज इफ इट इज नोन दैट, बोथ आर बॉयज इफ इट इज नोन, इफ इट इज नोन नोन दैट, इफ इट इज नोन दैट वट कंडीशन वन है, वन ऑफ द चाइल्ड इज अ बॉय, है ना, ये कंडीशन गिवन है। देखो देयर आर टू चिल्ड्रन इन अ फैमिली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉयज, निकालना तो ये है आपको कि दोनों क्या हो, बॉयज हो, लेकिन गिवन भी है ना, ये कंडीशन गिवन है, तो जहां पर कंडीशन गिवन होती है वहां पर क्या लगता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगता है। तो यानी हमें पता है कि ये किसका क्वेश्चन है। और एक और है इसमें पार्ट, ये खुद करोगे तुम्हारे, है ना, ये प्रैक्टिस के लिए हो गया तुम्हारे, ओल्डर चाइल्ड इज अ बॉय, है ना, ये आपके लिए प्रैक्टिस हो गया ना। तो जो भी हो गया प्रैक्टिस 4-5 जो भी है ये देख लेना आप लोग ना, प्रैक्टिस नंबर 4। तो मतलब लिख के भी दे देना कि ओल्डर चाइल्ड इज बॉयज, तो मुझे पता लग जाएगा कि आपका किसका आंसर आप देना चाह रहे हो ना कमेंट बॉक्स में। तो भैया पहले तो सैंपल स्पेस बना लो, दो चिल्ड्रन है, तो अगर आप सैंपल स्पेस बनाते हो तो तुम्हें पता है ऐसा भी हो सकता है कि दोनों लड़के हो जाए, B1 B2, है ना, ऐसा भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है एक लड़का हो जाए, पहला लड़का हो गया और दूसरी क्या है, लड़की है, या ऐसा भी हो सकता है कि भाई पहली लड़की हो दूसरा क्या हो, लड़का हो, और दोनों ऐसा पहली भी लड़की हो, सॉरी ये कॉमा यहाँ लगा, G2, ये क्या हो जाएगा आपका, यानी एक ए बन गया, एक ए बन गया, एक ए बन गया और एक ए बन गया B1, और ये कितना हो जाएगा, दैट इज B2 है, इसमें यहाँ पे कॉमा मत लगाना, B1 B2, और ये हो गया B1 G2 और G1 B2 और G1 G2। फिर समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ, सैंपल स्पेस बनाए आपने तो ऐसा हो सकता है कि घर में पहला बॉयज हुआ और दूसरा भी क्या हो गया, बॉयज हो गया, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है पहला बॉयज हुआ और दूसरी लड़की हो गई, ऐसा भी हो सकता है पहली लड़की है और फिर सॉरी कॉमन लगा और दूसरा क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा, और ऐसा भी हो सकता है कि पहली भी लड़की है और दूसरी भी क्या है, लड़की है। तो ये 4 हमारी क्या है, पॉसिबल आउटकम्स हमारे सैंपल स्पेस बन चुके हैं ना। अब उसने कहा भैया कि मुझे प्रोबेबिलिटी निकाल के दे दो कि दैट बोथ आर बॉयज, मुझे क्या चाहिए, दोनों लड़के चाहिए, क्लियर है ना, और ये गिवन है कि वन ऑफ द चाइल्ड इज अ बॉय, वन ऑफ द चाइल्ड इज अ बॉय। तो आपको पहले ये इवेंट बनाने पड़ेंगे ना, पहले आपको क्या करने पड़ेंगे, इवेंट ए बना दिया आपने कि दोनों बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज, दोनों बॉयज हैं, बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज, ओके,
क्या बन जाएगी इसके लिए सैम, कितना बन जाएगा? एक ही बनेगा सिर्फ आपके पास, क्या बनेगा? B1 और B2, यही तो बनेगा। दोनों चाहिए ना बॉयज, दोनों बॉयज चाहिए, तो B1 B2, एक ही घटना उसको फेवर कर रही है उस बात को कि B1 B2 दोनों बॉयज होने चाहिए, तो एक घटना फेवर कर रही है B1 B2, क्योंकि हर एक में फिर क्या है, जैसे इसमें है तो इसमें एक लड़का एक लड़की है, इसमें भी एक लड़का लड़की है, इसमें दोनों लड़कियां हैं, तो एक ही घटना थी कि बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज, तो B1 B2। तो अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी भी निकाल लें तो कितना हो जाएगा, दिस इज 1/4 हो जाएगा। अब B ले लिया हमने कि वन ऑफ द चाइल्ड इज अ बॉय, अब जो दो बी इवेंट ले लेते हैं कि वन ऑफ द चाइल्ड इज अ बॉय, है ना, जो एफ इवेंट ले लेते हैं कि वन ऑफ द चाइल्ड इज अ बॉय, ओके, तो एक बच्चा क्या है, लड़का है, तो एक बच्चा लड़का, देख लो साहब आप, आपको कौन कौन सी घटनाएं बनेगी। अब कई लोग क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं B1 B2 को, कि यार इसमें तो दोनों लड़के हैं, अरे भाई दोनों हैं तो एक तो है ही ना, मतलब ज्यादा से ज्यादा अलग बात है, पर कम से कम तो बात को पूरा कर रहा है ना, कम से लीस्ट कंडीशंस को तो पूरा कर रहा है, तो B1 B2 भी आएगा यहाँ, B1 और B2, ओके, एक तो ये बनेगा सैंपल स्पेस में, और क्या बनेगा बोलो, और एक बनेगा B1 और G2, ये भी बन जाएगा, और एक ये भी बन जाएगा G1 और B2, क्योंकि एक लड़का चाहिए ना, तो इसमें भी एक लड़का है ही मिल रहा है, दोनों है पर एक तो है ही कम से कम, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसका अगर अगर हम निकालें तो पी वी कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। लेकिन अब आपको पहले ये ध्यान रखना है कि आपको निकालना क्या है, तो मैंने कहा, उसने कहा कि निकालिए फाइंड दी प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉयज, तो बॉयज आपने किस इवेंट को लिखा है, ए को रखा है ना, तो ए ऊपर आएगा आपका, ये ध्यान रखना है ना भाई, ये गलती मत करना, A/B, क्योंकि ए को निकालना है और जो गिवन है उसको डिनोमिनेटर में आया, तो निकालना ए है, बोथ आर बॉयज, तो उस इवेंट को हमने क्या रखा है, ए रखा है, तो ए ऊपर आएगा, और जो गिवन है उसको हमने डिनोमिनेटर में, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा PA/B/PV है, तो PA/B निकाल लो, तो A/B अगर हम निकालें तो कितना बन जाएगा हमारा A/B, अगर आप A/B निकालते हैं इन दोनों में, तो एक ही बात तो कॉमन आ रही है, B1 B2 वाली कॉमन आ रही है, तो क्या आ जाएगी, कॉमन कॉमन आ जाएगी आपके पास B1 और B2, यही तो आ रही है कॉमन, तो अगर आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें PA/B की, तो कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 1/4, तो अब इसमें वैल्यू रख दीजिए आप, तो A/B की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4 है, और PB की कितनी थी, 3/4 थी, ओके गाइस, तो कट जाएगा तो कितना आ जाएगा आंसर आपका, 1/3 इज योर आंसर। अब इसका जो बी पार्ट है वो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है, वो जो बी पार्ट है वो आपके लिए क्या है, प्रैक्टिस के लिए है। अब मैं फिर कुछ क्वेश्चंस और आपके साथ जो थोड़े अलग क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं, जो पेपर के प्रोस्पेक्टस से इम्पोर्टेंट है ना, तो इनको भी देख लेते हैं एक बार, तो पहले डिस्कस करते हैं इसको, एक चेक करने के लिए आता है कभी कभी कि भाई ये बताओ कि इवेंट इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, जैसे ये क्वेश्चन दिया, इफ ई एंड एफ, इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ओके, देन देन वो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अच्छा ये तो ये है ए बार ऑब्लिक एफ बार, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको ना, चार ऑप्शन दे रखे हैं उसने, ऑप्शन ए दे रखा है -P ई बार ऑब्लिक एफ, ई बार ऑब्लिक एफ, ऑप्शन बी दे रखा है -P ई ऑब्लिक एफ बार, है ना, ऐसा कराया तो नहीं मैंने पहला क्वेश्चन, कुछ कुछ मुझे याद आ रहा है, जैसे पी ई और ऑप्शन डी है -P F, तो अगर करा रखा है तो तब आपके लिए प्रैक्टिस हो जाएगा, क्योंकि मैं चाह रहा था कि आपको एक क्वेश्चन ऐसा करा था कि जिसमें ये चेक करने के लिए हो, हाँ क्योंकि इसमें तो गिवन ही है कि इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन पी ई बार ऑब्लिक एफ बार की वैल्यू आपको निकालनी है, तो इसको आप, ये तो इजी हो जाएगा, कैसे देख लीजिए, कर लेते हैं, करा दिया शायद, मेरे को लग रहा है पहले नंबर पे यही कराया था, ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट कुछ ऐसा करके डिस्कस कराया था मैंने, मुझे याद आ रहा है ना, क्योंकि उसमें हाँ डी मॉर्गन्स लॉ भी लगा था उसमें, तो डी मॉर्गन्स लॉ भी लगाया था मैंने, चलो थोड़ा सा डिफरेंट है, बट आई थिंक वैसे ही कुछ कुछ पैटर्न वही है, तो
देखो ई बार ऑब्लिक एफ बार है ना, तो लगाया आपने इसमें कंडीशनल, तो कितना आ जाएगा पी इंटरसेक्शन एफ, ये होगा ना। थोड़ा सा इसको ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पर इसने थोड़ा टेक्निकल बना दिया है ना इसको। अब उसने कहा भाई ई बार और एफ बार कैसी इवेंट है बताओ, ई बार ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट है ना, ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट आपको दे रखे हैं उसने, किसने क्वेश्चन वाले ने कहा है कि ई एंड एफ जो है इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो अब आप इसको क्या करना है, अब इसको इंडिपेंडेंट इवेंट की भी प्रोबेबिलिटी लगा सकते हो, नहीं तो आप उससे किसे जो आपका वो था, तो मुझे लग रहा है सेम ही है ये क्वेश्चन जो पहले वाला हमने कराया था, तो ये आप ही कर लेना इसको है ना, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस नंबर, क्योंकि फिर टाइम भी लग रहा है इनमें, प्रैक्टिस नंबर 7 या 6 जो भी है, तो वैसे ही डिमॉर्गन लॉ से भी लगा सकते हो। ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इनके जो कॉम्प्लीमेंट होंगे वो क्या होंगे, उस पर भी लागू होगा वो रूल, तो उससे भी करके पी ई इंटरसेक्शन पी एफ काट देना, आंसर आ जाएगा। लेकिन आप देख लेना इसको खुद एक बार ट्राई करो, क्योंकि मुझे लग रहा है इसमें थोड़ा टाइम और इसके बदले में एक दो क्वेश्चन और मेरे को जो इंडिपेंडेंट इवेंट वाले हैं वो डिस्कस करने थे आपसे। तो एक क्वेश्चन ये है आपके कि चेक करना है कि वेदर दीज इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट और नॉट, है ना। तो वो क्वेश्चन है हमारे पास, अगर हम देखें जैसे ये क्वेश्चन है, इसको देखते हैं इतना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इफ हाँ, इसने कहा ई एंड एफ, ई एंड एफ आर टू इवेंट्स, इफ ई एंड एफ आर टू इवेंट्स सच दैट, और क्वेश्चन में प्रैक्टिस के लिए मैंने कहा आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना ना, मैं जितने करा सकता हूँ उतने तो करा ही रहा हूँ, लेकिन मेरी कोशिश है कि हर टाइप का एक एक क्वेश्चन हो जाए ताकि आप लोगों को थोड़ा फायदा मिले इसमें ना। 5/6 दे रखा है ना, ई इंटर ई यूनियन एफ 5/5 और ई इंटरसेक्शन एफ दे रखा है आपको 1/3 है ना, एंड ये भी दे रखा है आपको पी एफ बार जो दे रखा है साहब 1/2। अब वो कह रहा है देन द इवेंट, देन द इवेंट्स आर, देन द इवेंट्स आर है ना, ये कह रहा है देन द इवेंट्स आर, सो ऑप्शन है आपके पास देन द इवेंट्स, देन द इवेंट्स ये लिख लेना ई एंड देन द इवेंट्स ई एंड एफ आर है ना, क्या होंगे बोलता बताना है आपको। ऑप्शन ए कह रहा है डिपेंडेंट है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ मैं थोड़ा सा अलग क्वेश्चन देख रहा था, डिपेंडेंट है। ऑप्शन बी कह रहा है इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। ऑप्शन सी कह रहा है म्यूचुअली, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ना, आई वी ई, और ऑप्शन डी कह रहा है नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी कह रहा हो दोस्तों नन ऑफ दीज है ना। देख लेते हैं इसको भी, अच्छा क्या पता वही वाला हो जो मैं चाह रहा हूँ, कि कभी कभी पेपर में ये आता है चेक करने के लिए कि यार ये बताओ कि ये इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट है कि नहीं है, चेक कर लो, बस मैं दे दूंगा आपको क्वेश्चंस, ऐसा कोई बहुत वो है नहीं, इशू है नहीं। तो हम इस क्वेश्चंस को थोड़ा देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 को देख लेते हैं, ये 60 कितना हो गया जो भी है। इफ ई एंड एफ आर टू इवेंट है ना, दे रखे ई और एफ दो इवेंट दे रखे हैं और कंडीशंस क्या क्या दे रखी है, तो अब हम इसको कैसे करेंगे। तो अगर आप देखें इसको क्या क्या गिवन है आपको, पी ई यूनियन एफ गिवन है ना, लिख लीजिए पहले जो दे रखा है आपको, क्या दे रखा है पी ई यूनियन एफ, पी ई यूनियन एफ दे रखा है साहब आपको 5/6 है ना, 5/6 दे रखा है ना, और दूसरा क्या दे रखा है उसने पी ई इंटरसेक्शन एफ भी दे रखा है, ई इंटरसेक्शन एफ भी जो दे रखा है आपको वो कितना दे रखा है 1/2, और पी एफ बार दे रखा है आपको कितना 1/2, ये 1/3 है, ई इंटरसेक्शन एफ कितना 1/3 और पी एफ बार 1/2। अब आप क्या करेंगे, पहले पी एफ बार से पी एफ निकाल लो, यानी पी एफ जो बार है, तो मैंने कहा किसी घटना का होना ना होना इज इक्वल टू एक होता है ना, तो पी एफ बार दे रखा है तो पी एफ कितना हो जाएगा, 1 में से 1/2 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 1/2, क्योंकि आपको पता है पी एफ प्लस पी एफ बार इज इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, होना प्लस ना होना है ना, कॉम्प्लीमेंट है ये इसका, ये घटना होने की प्रोबेबिलिटी है और ये ना होने की, और मिलाकर कितना होता है, क्योंकि
मैंने कहा ना दुनिया में घूम फिर के वहीं पे पहुंचना है साहब, है ना, ये ध्यान रखना आप लोग। मैंने पिछले वीडियो में काफी डिटेल से इन चीजों पे बात करी थी। तो पीएफ आपने निकाले 1/2। अब अगर हमको ये चेक करना है कि पीई और एफ में क्या रिलेशन है, तो मैंने फिर कहा क्योंकि इंडिपेंडेंट होंगी तो क्या होता है, अगर इंडिपेंडेंट इवेंट होती है तो क्या होता है, ई इंटरसेक्शन एफ जो होता है पी और पीएफ के बराबर आता है ना। ई इंटरसेक्शन एफ जो है वो पी पीएफ के बराबर आता है। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5-0 हो जाएगा। तो मतलब हमारा टारगेट पॉइंट यही है कि हम इसको निकाल लेते हैं, किसको, पी ई इंटरसेक्शन एफ जो है ये दे रखा है इसमें 1/3। तो अब हम इस तरफ जाते हैं कि यार ये कहीं ऐसा तो नहीं कि पी और पी एफ के प्रोडक्ट के बराबर है। तो पी एफ तो हमने निकाल दिया, अब हमारे पास पी ई और चाहिए हमको। पी ई अगर हमारा निकल जाए तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो पी ई भी निकल सकता है कैसे, क्योंकि पिछले चैप्टर में मैंने आपको एडिशन थ्योरम बताई थी। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ किसके बराबर होता है, पी ई प्लस पी एफ और माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ, है ना, यही तो है एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो पी ई यूनियन एफ दे रखा है, कितना दे रखा है ये 5/6, पी यूनियन एफ दे रखा है। पी ई हमको निकालना है, पी ई हमको निकालना है, पी एफ, पी एफ अभी हमने निकाला 1/2, इंटरसेक्शन उसने दे ही रखा है कितना 1/3। तो सॉल्व कर लो इसको, कितना आ जाएगा पी ई, अगर आप पी ई को सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा ये 5/6, है ना, और माइनस 1/2 और प्लस 1/3, तो कितना आ जाएगा एलसीएम 6 ही आ जाएगा मेरे ख्याल से। तो यहाँ आएगा 5 और 2 3 6 और ये हो जाएगा 3 2, तो 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 4/6, 2 2 4, 2 2 3, तो कितना आ गया पीई, पीई आ गया आपके पास 2/3। तो भाई आप चेक कर लो कि पीई और पीएफ का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, पीई और पीएफ का जो प्रोडक्ट है वो कितना है। तो पीई जो आया था हमारे पास, पीई कितना आ गया आपके पास, दैट इज 2 2/3, और पीएफ कितना आया, पीएफ हमने निकाला था अभी, पीएफ जब हमने कैलकुलेट करा था तो कितना आया था, पीएफ ऊपर देखेंगे पीएफ आया था 1/2, पीएफ कितना आया था 1/2, है ना, पीएफ आया 1 2 से 2 काट दिया तो कितना आ गया, दैट इज 1/3। और ये किसके बराबर है 1/3, ये किसके बराबर है, पी ई इंटरसेक्शन एफ के बराबर है। तो यानी हम कह सकते हैं कि पी ई इंटरसेक्शन एफ जो है वो किसके बराबर हो गया, पी ई डॉट पी एफ के बराबर है। तो ये कौन सी कंडीशन है, ये कंडीशन कब होल्ड होती है, जब ई और एफ कैसे इवेंट हो, इंडिपेंडेंट इवेंट, व्हेन ई एंड एफ आर क्या हो, इंडिपेंडेंट इवेंट। कैसे इवेंट होने चाहिए, इंडिपेंडेंट इवेंट होने चाहिए, तब ये बात प्रूफ होती है। तो यानी आप कह सकते हो कि हाँ जी ये जो इवेंट है उसने ऑप्शंस दिया है कि डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, एक्सक्लूसिव या नन ऑफ दिस। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, दिस ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट। तो आई थिंक दोस्तों और क्वेश्चंस बहुत हैं कराने के लिए, क्योंकि किताबें तो इतनी सारी है, क्वेश्चंस भी बहुत सारे हैं, लेकिन फिर दिक्कत वही आती है कि मुझे ये लग रहा है कि आपको उतना टाइम, अब जैसे एक इसी पे एक क्वेश्चन और है, इसको आप खुद सॉल्व करेंगे ना। देखो पी ए वन दे दिया आपको, ये प्रैक्टिस मान लो इसको भी, पी ए वन दे दिया 0.5, पी ए टू दे दिया 0.4 और पी ए थ्री दे दिया आपको 0.3, और ये दे दिया आपको पी ए वन इंटरसेक्शन ए टू इंटरसेक्शन ए थ्री इज इक्वल टू कितना दे दिया आपको, इसको देखेंगे आप तो ये दे रखा है 0.06, 0.06। ओके, अब वो कह रहा कि ये आपको बताना है कि आर ए वन ए टू ए थ्री जो है, ए वन ए टू और ए थ्री जो है, इनमें कैसा रिलेशन है, ये कैसी इवेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट है, इवेंट है, एक्सक्लूसिव है, एग्जॉस्टिव है। तो ये जो भी हो गया प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 7-8 जो भी हो गया, तो इसको आप करेंगे, है ना। तो देखो आपको दिख ही रहा है कि भैया आप सबसे पहले तो किसके साथ ही जाओगे, इंडिपेंडेंट के साथ ही जाओगे ना, क्योंकि ए वन पी ए वन इंटरसेक्शन ए टू इंटरसेक्शन ए थ्री जो है, और यही देखना है आपको पी ए वन पी ए टू डॉट आएगा ना, पी ए टू डॉट पी ए थ्री के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एक चीज और है, पेपर में अगर आपको कभी कोई कम्पिटेटिव एग्जाम निकालना है, तो मैंने हमेशा बोला है दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके पास मैनेजमेंट भी है
और नॉलेज भी है ना। मैनेजमेंट प्लस नॉलेज सक्सेस होता है, ये ध्यान रखना। नॉलेज है, मैनेजमेंट नहीं है, कभी नहीं निकलोगे। और बहुत ज्यादा मैनेजमेंट है पर नॉलेज की कमी है तो भी नहीं निकलना। मतलब दोनों चाहिए आपको, नॉलेज है मैनेजमेंट नहीं है तब भी गड़बड़ है, मैनेजमेंट है नॉलेज नहीं है तब भी गड़बड़ है। तो मतलब आपको दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, मैनेजमेंट प्लस नॉलेज विल इक्वल टू सक्सेस। तो मैनेजमेंट में क्या आता है, बहुत सारी चीजें आती है, टाइम आता है, पेपर के बीच में आपको अपने आप को कंट्रोल रखना है, बहुत वेल प्लान तरीके से तैयारी करनी है, कौन सा टॉपिक ज्यादा आता है उसको ज्यादा पढ़ना है, उनको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो ये सब टैक्टिस होती है जो किसी एग्जाम को निकालने के लिए बहुत जरूरी होती है। तो इस पे मैं कभी वीडियो बनाऊंगा। और फिर मैंने कहा जो मैथमेटिक्स के ऑप्शनल वाले हैं तो मेरे से इस नंबर पे 9897544379 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो, लाइव क्लासेस और जो भी है आपको सिस्टमेटिक, उन सब चीज़ों के लिए अगर आपको पूरा सिलेबस चाहिए तो वो भी। और वैसे मैंने अपने यूट्यूब चैनल में भी सब कुछ आप लोगों के लिए अवेलेबल करा रखा है, लेक्चरर की प्लेलिस्ट और LT प्लेलिस्ट, ASO प्लेलिस्ट और BSc प्लेलिस्ट, MSc प्लेलिस्ट, उनमें देखिए आपको मिल जाएंगे सारे कंटेंट। 12वीं की प्लेलिस्ट अलग है, NDA की अलग है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जुड़ूंगा दोबारा से इसकी नेक्स्ट क्लास ASO की। लेकिन ये मैंने कहा LT में भी आ गया ये सिलेबस है ना, तो LT वालों के लिए भी है, लेक्चरर में भी ये हाई टॉपिक, और आपके पॉलिटेक्निक लेक्चरर में भी ये हाई। तो बहुत जगह है जहाँ भी मैथ्स का पेपर आता है तो ये टॉपिक होता है, इसीलिए मैंने कॉमन सिलेबस यहीं से शुरू करा। तो आप लोगों ने अगर जिन्होंने लास्ट तक वीडियो को देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। और क्लास से जुड़े रहें, चैनल से भी जुड़े रहें, और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर कर दीजिए। और इतना करने में तो ज़्यादा मेहनत है नहीं, क्योंकि मैंने तो आपके लिए इतना वीडियो बनाने में मेहनत तो करी होगी, क्वेश्चंस देखे होंगे, क्वेश्चन ढूंढे होंगे, तो आपका इतना तो बनता ही है कि एक लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कर दो। तो थैंक यू दोस्तों, पुनः मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।